दिस इज अ सेकेंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स यूटिलिटी. यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट. एनी कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी, एनी कमोडिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट इज नोन एज यूटिलिटी. कोई भी कमोडिटी जब ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर लेती है तो हम उसे यूटिलिटी कहते हैं. यहाँ ये जरूरी नहीं है कि वो जो कमोडिटी है वो गुड्स हमारे लिए हार्मफुल है या फिर यूजफुल, बस वो सेटिस्फाई करना जरूरी है. कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल. यूटिलिटी इज टोटल साइकोलॉजिकल. वी कांट सी इट, वी कांट टच, बट ओनली कैन फील इट. हम केवल फील कर सकते हैं. टोटली साइकोलॉजिकल फिनोमिना है यूटिलिटी. देन रिलेटिव टर्म्स, ये रिलेट करता है कमोडिटी टू कमोडिटी. मीन्स अगर हमारे पास ब्रेड है तो उसके लिए हमें टी या कॉफ़ी की नीड अपने आप हो जाती है. तो यहाँ टी और कॉफ़ी यूटिलाइज़र क्यों है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ब्रेड है. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कोई कमोडिटी हमारे पास होती है इसलिए दूसरी कमोडिटी की ज़रूरत हमें होती है. देन थर्ड वन इज डिफर फ्रॉम मैन टू मैन. ये जो यूटिलिटी है हर किसी की अलग है. ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हम पसंद करते हैं वही सामने वाले को भी पसंद हो. हमारी ज़रूरत किसी और चीज़ की है, सामने वाले किसी और कम्युनिटी को पसंद करता हो. तो हर किसी की पसंद के हिसाब से ये डिफर है. हर पर्सन अलग अलग कम्युनिटी को यूज़ करता है और वो उसके लिए यूटिलाइज होती है. देन नॉट इंट्रेंसिक, इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सिगरेट का. सिगरेट, जिस पर्सन को सिगरेट पीना पसंद है उसके लिए तो सिगरेट यूज़फुल है. लेकिन कभी कभी ये भी देखने में आता है कि अगर हमें सिगरेट की ज़रूरत नहीं है उसके बाद भी हम बहुत सारे सिगरेट परचेस कर लेते हैं और सामने वाला समझ रहे हैं कि हम उसको यूटिलाइज करें. नहीं, ये नॉट एंट्रेंसिक है. हो सकता है हमारी शॉप हो और हम उसमें उसको सेल करना चाहते हैं, तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी सिगरेट हमारे लिए यूटिलाइज है क्योंकि हमें उसे आगे जाकर सेल करना है. तो ये टोटली साइकोलॉजिकल फिनोमिना है. ये ठीक है, हमारी इनर फीलिंग पे डिपेंड करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है. लेकिन हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि इंट्रेंसिक नहीं है. अगर हम उसका यूज़ नहीं करते हैं तो भी वो कम्युनिटी हमारे लिए यूजफुल हो सकती है. देन मेजर ऑफ यूटिलिटी, मनी मेजर. मनी के टर्म में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं. सपोज एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और उस समय उसे बुक की नीड होती है, तो जो बुक 20 रुपीज़ की आ रही है उसके लिए वो 50 रुपीज़ देने को तैयार हो जाता है. क्यों ज़्यादा पैसे देने को तैयार होता है? क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बुक उसके लिए यूटिलाइज है. तो 20 रुपीज़ की बुक के लिए वो 50 रुपीज़ देने के लिए तैयार हो जाता है. और ये मनी मेजर्स मीन्स इसको हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं. 20 रुपीज़ को 50 रुपीज़ में हम परचेस कर रहे हैं. देन यूनिट मेजर. यूनिट मेजर बार्टर सिस्टम में होता था कि हमारे पास जो भी सामान है उसका वेट करके हम सामने वाले से एक्सचेंज कर लेते थे. यहाँ पर भी सपोज हमारे पास 2 kg कोई कमोडिटी है और सामने वाले के पास 3 kg है. अब सामने वाला पर्सन 3 kg के बदले 2 kg एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जा रहा है. तो उसको 2 kg मिल रहा है लेकिन वो अपने बदले कितना देने को तैयार हो रहा है? 3 kg. मीन्स उसके लिए 2 kg का जो भी कमोडिटी है वो यूजफुल होगा. देन कार्डिनल अप्रोच. कार्डिनल अप्रोच, सपोज 1 apple, वी यूज 1 apple एंड 1 orange. आफ्टर यूज 1 orange वी गेट 10 units ऑफ सेटिस्फैक्शन. एंड आफ्टर यूज apple वी गेट 20 units of satisfaction. Then we can say that apple is more beneficial than orange in the cardinal approach. But in ordinal approach we can say that a consumer prefer an apple टू एन ऑरेंज. यहाँ कार्डिनल अप्रोच में ये कहा गया है कि ऑरेंज में 10 units हमको मिल रहे थे लेकिन इसमें 20 units है इसलिए एप्पल हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है. लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच में हम काउंटिंग नहीं दे रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो कंज्यूमर है उसको ऑरेंज के बदले एप्पल ज़्यादा यूटिलाइज है.
तो यहाँ यूटिलिटी हमें देखना है कि किस चीज़ की कितनी यूटिलिटी है। थैंक यू।